Good morning, guys. Good morning. Very, very good morning to all of you. Good morning, Akanksha. Good morning, Saurabh. Good morning, everyone. क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर क्लियरली सुनाई दे रही है? एक बार मुझे कंफर्म करें भाई, एम आई ऑडिबल क्लियरली? ओके, ऑल राइट, ठीक है. चलिए, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके हर आपके एग्जाम में. ओके, चलो जुड़ जाइए सेशन में और सेशन को बराबर से शेयर भी करिए जिससे और भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सके. ओके, ठीक है भाई, एक बार आप रीकनेक्ट कर लो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, दोबारा से आप कनेक्ट कर लो तो आपको आवाज़ भी सुनाई देगी. बिल्कुल बिल्कुल, चलो. सो इन टुडेज क्लास वी विल टॉक अबाउट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं. ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात बता देना चाहता हूं कि जो IPS में यहाँ पे जो 50% ऑफर यानी कि 50% ऑफ चल रहा है, जिसमें IPS 50 कूपन कोड का आपको यूज करके फ्लैट 50% यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा हर एक CSR नेट के कोर्सेज पे, चाहे फिजिकल साइंस हो, केमिकल साइंस हो, चाहे लाइफ साइंस हो, चाहे आपका केमिकल साइंस, तो सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा, तो आप इसको अवेल कर सकते हो. ओके, ऑलराइट, एवरीथिंग इज क्लियर. चलिए तो फिर स्टार्ट किया जाए सेशन को. टुडे वी आर गोइंग, वी आर वॉइस क्लियर है? क्लियर नहीं आ रहा तो एक बार आप फिर से रिज्वाइन कर लो. ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए. बिल्कुल आएगा, लाइव कोर्स भी आएगा एप्टीट्यूड का. बिल्कुल, लाइफ साइंस का टेस्ट सीरीज है भी. बिल्कुल, आप एक बार IFS ऑनलाइन पे जाके चेकआउट करो तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा. बिल्कुल है. ठीक है, तो बात करते हैं सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में. सबसे पहला जो कॉमन डिफरेंस है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आता है, सिंपल है और ये क्या है, कंपाउंडेड है, यानी कि दिस इज समवट कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत ध्यान से सुनना, दो पर्सन है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है. ठीक है, दोनों लोग फ्रेंड्स हैं, दोनों लोगों ने एक कंपनी ओपन करी है, और ए और बी बोलते हैं जो भी हमारे पास पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके बदले में हम उसको कुछ इंटरेस्ट देंगे, विल प्रोवाइड सम इंटरेस्ट अगर कोई हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है. तो मैंने क्या करा, मैं ए के पास 100 रुपये लेके गया. मैंने ए से बोला, भाई ये 100 रुपये हैं, चलो 1000 रुपये दे देते हैं, 1000 रुपीज़ हैं, इसको पकड़ो और मैं आऊँगा आपके पास 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स मैं आपके पास आऊँगा और अपना सारा पैसा विद इंटरेस्ट लेके जाऊँगा. कहता ठीक है. मैं बी के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ ये पकड़ो 1000 रुपये और मैं फिर से आपके पास 3 साल बाद आऊँगा और विद इंटरेस्ट मैं सारा कुछ पैसा लेके जाऊँ.
गेट एप्टीट्यूड का आपको बुक मिल जाएगा, नया एडिशन, ठीक है। जो भी आपको चाहिए जस्ट यू हैव टू विजिट आईएफएस ऑनलाइन। नाउ अब हो क्या रहा है भाई, मैं क्या करता हूं, जब एक साल बीत जाता है ए के पास और बी के पास जाता हूं, लेकिन ए और बी क्या करते हैं, 10% के रेट से इंटरेस्ट मुझको देते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ए कहता है भाई 10% का रेट से मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, और बी भी कहता है मैं 10% के रेट से इंटरेस्ट आपको दूंगा। अब देखो पहले साल में अगर मैं ए के पास गया, मैं कहता हूँ भाई बताओ एक साल तो हो चुका है, कितना पैसा मेरा इंटरेस्ट बन गया है। अब कहता है ये भाई आप 1,000 रुपये लेके आए थे, उसका 10%, 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपये आपका इंटरेस्ट बन गया। मैं कहता हूँ ठीक है भाई मैं आप आऊँगा अगले साल, कहता है ओके। अब मैं बी के पास जाता हूँ, बी के पास जाता हूँ तो ये कहता है भाई आप 1,000 रुपये लेके आए थे, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि आपको 100 रुपये यहाँ पे एज ए इंटरेस्ट मिल जाते हैं। मैं कहता हूँ ओके। देन अब दूसरे साल की बात है, यानी कि दूसरे साल के अंत में मैं क्या करूंगा, फिर से मैं ए के पास जाऊंगा, मैं कहता हूँ बताओ भाई मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, मतलब कि कितना अमाउंट मेरा इंटरेस्ट बन गया। ये कहता भाई आप 1,000 रुपये लेके आए थे और पिछले साल आपने 100 रुपये कमा लिए थे, तो आपके पास कुल खाते में पैसा हो गया 1,100 रुपये। अब ये 1,100 रुपये का 10% के रेट से आप अपना इंटरेस्ट जोड़ लो। मैं कहता हूँ भाई 1,100 का 10% होता है 110 रुपये, 110 रुपीज, यानी कि दूसरे साल में 110 रुपये मैंने कमा लिए। नेक्स्ट फिर मैं जाता हूँ बी के पास दूसरे साल में, बी कहता है भाई आप 1,000 रुपये लेके आए थे, उसका 10% के रेट से 100 रुपये हो गए। मैं कहता हूँ भाई 100 रुपये क्यों हुए, 1,000 रुपये लेके तो आया था ठीक है, लेकिन पिछले साल का जो 100 रुपये मैंने कमाया वो कुल मिला के 1,100 हो गया, 1,100 पे 10% का रेट क्यों नहीं देते हो। कहता है नहीं ऐसा हम नहीं करते, हम सिंपल इंटरेस्ट पे आपको रेट देते हैं, यानी कि वी प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन सिंपल फॉर्म, यानी कि जितना आप पैसा लेके आओगे यानी कि जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे हमेशा उसी पे ही 10% वो मुझे इंटरेस्ट देगा, भले ही मैं 4 साल के लिए पैसा लगाऊं चाहे मैं 10 साल के लिए पैसा लगाऊं, ही विल ऑलवेज प्रोवाइड मी इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल मनी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल मनी, दिस इज प्रिंसिपल मनी और इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टेड अमाउंट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टेड अमाउंट और प्रिंसिपल मनी। नाउ मैं कहता हूं यार ये तो गड़बड़ है, अब मैं तीसरे साल पे आता हूं, मैं कहता हूं भाई तीसरे साल में क्या होता है, तीसरे साल में कहता है आपने 1,000 रुपये लेके आए थे, 100 रुपये यहां पे कमाए, 110 रुपये यहां पे कमाए, कुल मिला के आपने कितना रुपए कमा लिया, कुल मिला के आपने 1,210 रुपये कमा लिया। अब आपको 1,210 पे यानी कि 1,210 का 10% के रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि कितना 121 रुपये। इसका अगर 10% निकालोगे यू गेट 121 रुपीज। मैं फिर जाता हूँ बी के पास, फिर से बी ने मुझे उसी 1,000 का 10% यानी कि 100 रुपये मुझे इंटरेस्ट दिया। आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल के बाद जो मेरा टोटल इंटरेस्ट बना ए के साथ दैट वुड बी 331 रुपीज, 331 रुपये मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया। और बी के पास जो मेरा इंटरेस्ट बना दैट विल बी 300 रुपीज, 300 रुपये इंटरेस्ट बना मेरे पास बी के साथ, यानी कि कितने रुपए का घाटा, 31 रुपीज का मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। क्यों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से मुझे इंटरेस्ट रिटर्न कर रहा है बट ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी एल, समझ में आ गई बात, इज इट क्लियर नाउ। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ अब जान लेते जो
बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि हमको पता होने चाहिए क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की, फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट विल बी पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी का मतलब प्रिंसिपल मनी, प्रिंसिपल मनी, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी इज टाइम, टी इज टाइम किसमें, ईयर्स में, सालों में हमें यहां पे टाइम रखना है। नाउ दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला याद रखो इस तरह से, अमाउंट की फॉर्म में, अमाउंट विल बी इक्वल टू पी 1 + R बाई 100 टू द पावर टी, यानी कि टाइम, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, व्हाट इज अमाउंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो अमाउंट को ए। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू द प्रिंसिपल मनी प्लस द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। दिस इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूले को लिख लेना एक जगह। साथ ही साथ कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। जब हमारा जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली, यानी कि हर 6 महीने में यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, हर 4 महीने में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरली, ठीक है। क्या होगा जब हम बात करते हैं कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन द फॉर्मूला विल बी दिस, ए इज इक्वल टू पी 1 + R बाई 2 × 100 टू द पावर 2n। जब ये हाफ ईयरली होगा, क्यों, एक साल में 2 हाफ होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं भाई एक साल में कितने हाफ, आप बोलोगे 2 हाफ, यानी कि 6 महीने की पीरियड को हाफ ईयरली बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2n और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 100, लाइक दिस। तो इस फॉर्मूले को याद रखें। लेकिन जब होगा क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब 4-4 महीने का जो पीरियड होता है, सॉरी 3-3 महीने का जो पीरियड होता है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टरली। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3-3 महीने का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड क्वार्टरली, यानी कि 1 ईयर में हमारे पास तीन करके देर विल बी 4 क्वार्टर्स। इसीलिए जब कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, देन इट विल बी 4n / 4 × 100। यहाँ पे 2 की जगह 4 हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ठीक है, और 2 साल के लिए पैसा लगाया जा रहा है, n है टाइम, n इज टाइम, यानी कि एक साल में कितने क्वार्टर है भाई, एक साल में 2 क्वार्टर, यानी कि n विल बी 2, लाइक दिस। अब जरा ध्यान से देखो, यानी कि अगर एक साल के लिए पैसा लगाया जा रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, n की जगह आप लिख दोगे 1, यानी कि एक साल, उसमें 2 हाफ ईयरली है। अगर 4 साल के लिए पैसा लगाया गया है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है, यानी कि देयर विल बी n विल बी 4, इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और टाइम पीरियड यहाँ पे आपका 2 साल है, 2 साल अगर टाइम पीरियड है, अगर यहाँ पे हाफ ईयरली, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, व्हेन इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन द टाइम विल बी 4, यानी कि टाइम डबल हो जाएगा। क्यों, एक साल में 2 हाफ होते हैं, 2 साल में कितने हाफ हो जाएंगे, 4, टी विल बी 4, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी 10%। तो इस चीज को याद रखें, जब भी हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा और टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा। लेकिन लेकिन जब आपका रेट ऑफ आपका क्वार्टरली है,
लेकिन जब आपका कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 का मतलब एक चौथाई। दैट विल बी जैसे कि 20% है, दिस विल बी 1/4 टाइम्स ऑफ 20, यानी कि दिस विल बी 5%, एंड द टाइम पीरियड विल बी 4 टाइम्स, यानी कि 2 × 4, यानी दिस विल बी 8। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देना। तो सभी फॉर्मूलों को आप एक जगह लिखोगे, जिससे कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आए। राइट, 5%, बिल्कुल ठीक। नाउ यहां पे देखो, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? अगर 2 साल की बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI विल बी P टाइम्स ऑफ R/100 टू द स्क्वायर, यानी कि इस तरह से। ये फॉर्मूला किसके लिए है? SI माइनस CI, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, दैट इज इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर। ये है 2 साल के लिए, दिस इज फॉर 2 ईयर्स, इसको लिख देना ब्रैकेट में, दिस इज फॉर 2 ईयर्स। अगर 3 साल की बात करेंगे तो दिस विल बी CI माइनस SI, दैट इज इक्वल टू P R/100 का स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 300 प्लस R/100, यानी कि दिस इज द फॉर्मूला। जब CI और SI के बीच में हमें डिफरेंस पता हो, लेकिन वो 3 साल के लिए हो, ठीक है, दिस इज फॉर 3 ईयर्स। इन फॉर्मूलों को एक जगह आप फटाफट से लिख लो, तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। क्वार्टरली में टाइम विल बी 8, ठीक है, 8 ईयर्स नहीं होगा, वो क्या है, 8 हाफ्स होंगे ना। लेकिन 1 साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर। तो 2 साल में कितने क्वार्टर? 8 क्वार्टर्स। तो टी विल बी 8। अब इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको फॉर्मूले एटलीस्ट पता होने चाहिए। चलो अब एक एक करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब समझ में आए। पहला सवाल है आपके सामने, कह रहा फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI ऑन ₹12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि एनुअल कंपाउंड हो रहा है, यानी कि जो नॉर्मल कंपाउंडेड कहते हैं ना, दैट इज एनुअल कंपाउंडेड, यानी कि सालाना। अब जरा बताओ, अगर इतने रुपए इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए 10% के रेट से, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना। एक तो तरीका है, आप फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है, एक जो सबसे बेसिक तरीका है, दैट इज फॉर्मूला मेथड, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। एनीवन कोई बताएगा? ऑप्शन 1, ओके। देखो बहुत आसान है, कैसे करना है, आपसे कह रहा है इतने रुपए मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, दिस इज प्रिंसिपल अमाउंट, 2 साल के लिए, टाइम पीरियड विल बी 2 ईयर्स, 10% के रेट से, यानी कि आर विल बी 10%, वी हैव टू फाइंड द CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, ऑल राइट। नाउ हम क्या करें, अमाउंट का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, वैसे तो अमाउंट पता लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।
नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मनी। तो यहाँ से अमाउंट निकाल लूंगा मैं, और यहाँ से फिर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल लूँ। लेकिन इतना बड़ा तरीका हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। दो साल की बात हो रही है, पहला साल और दूसरा साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पर ईयर का? 10%। पहले साल का इंटरेस्ट 10%, दूसरे साल का इंटरेस्ट 10%। लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनना है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है मेरा, यानी कि सेकेंड ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, जो पिछले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 का 10% भी मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी कि पिछले साल जो मैंने कमाया उस पर भी मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे बात करी थी, याद है मैंने कहा था भाई पिछले साल जो यहाँ पे मैंने कमाया उसका इंटरेस्ट मुझे इस साल मिलेगा, और पिछले दो साल में जो मैंने कमाया उसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस 10 का 10% यानी कि 10 का 10% कितना होता है 1, ये इंटरेस्ट भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 10 प्लस 10 प्लस 1 यानी कि 21%। दिस इज द टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। अब भाई मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए जितना रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका 21% यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे देना पड़ रहा है। तो दिस विल बी जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द आंसर। समझ में आ रही बात? ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ओके। चलो तो दिस विल बी ₹2646 यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ये तरीका समझ में आ गया, वी डोंट हैव टू यूज द फॉर्मूला। तभी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब हमको रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था ये। अगला क्वेश्चन, चलो करिए इसको। ओके ठीक है भाई, सेम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ऑल राइट, चलो ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखोगे, कह रहा है देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 60% यहाँ पे इंक्रीमेंट आ रहा है किसमें, अमाउंट। अब देखो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज इतना आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। यानी कि जहां यहाँ पे जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर यहां पे यूज किया जाए तो बताओ व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए अब कह रहे 60% इंक्रीज आया है यहां पे किसमें, अमाउंट में। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल इनिशियली मैंने इतना पैसा लगाया, कितना मान लो अगर मैंने इनिशियली 100 पैसा लगाया है, अगर यहां पे 60% का इंक्रीमेंट आ रहा है 6 साल के बाद, यानी कि द अमाउंट विल बी 160। इतना मैंने पैसा लगाया 6 साल के बाद 60% का हाइक हो गया, यानी कि 160% हो गया। टाइम इज 6 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको ये बताना है यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज हुआ है वो कितना है। तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल मनी, यानी कि जो मेरा अमाउंट बन गया 6 साल बाद उसमें से अगर मैं प्रिंसिपल यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट को माइनस कर दूं, यू विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो दिस विल बी 160 माइनस 100 यानी कि 60, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। सो द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट इज पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मनी इज 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है, टाइम 6 साल है, अपॉन 100। दिस विल बी 10%, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब जरा ध्यान से देखो, हमको कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट अगर करना है 10% के रेट से 3 साल के लिए, तो 3 साल का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तीसरे साल का 10%। लेकिन दूसरे साल में पहले साल का जो 10% है उस 10% का 10% भी इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, 10% का 10% यानी कि 1। सेकेंड ईयर में ध्यान से देखना, सॉरी थर्ड ईयर में पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और 1%, इस पे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो पिछले साल जितना भी मैंने कमाया उस पे भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10, 10 और 1 यानी कुल मिला के 21%। इस 21% का जो इंटरेस्ट बनेगा दैट विल बी 10%। 21 का 10% कितना होगा, दिस विल बी 2.1, दिस विल बी 2.1%। दिस इज दी, ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कितना हुआ कुल मिला के 30, ये प्लस और ये हुआ 3.1, कुल मिला के 33.1% का इंटरेस्ट। समझ आया। अब ये जो इंटरेस्ट है ये किससे किस अमाउंट पे है, 12,000 पे है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 12,000 का 33.1%, दिस विल बी 12 × 331। ₹3972 यानी ऑप्शन नंबर 3, दैट विल बी राइट आंसर। इज इट क्लियर, समझ आ गया। तो कुछ इस तरह से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 3 साल का। पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और साथ ही साथ जो पिछले साल 10% कमाया उसका भी 10% निकालना पड़ेगा। 10 का 10% कितना होगा, 1। तीसरे साल में 10% तो देना ही देना पड़ेगा, लेकिन साथ में जो 10% 10% ये चल रहा है, इन सभी को कुल मिला के 21%। इस 21 का 10% यानी कि 2.1 ये भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कुल मिला के अगर हमने प्लस किया तो ये आया 33.1%। तो जो अमाउंट मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसका इतना परसेंट अगर मैं निकालूंगा, विल गेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दिस इज द बेसिक मेथड, इस क्लियर हो गया है। ओके चलो फिर इस क्वेश्चन को करो।
ओके ऑल राइट, ऑप्शन वन। हाँ क्या कह रहा है, इफ रुपीज 4000 बिकम्स 4800 इन 2 ईयर्स, यानी कि अगर 4000 रुपए को लगाया गया तो वो 4800 रुपए बन जाते हैं 2 साल के बाद। व्हाट विल बी रुपीज 6000 बिकम्स एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, यानी कि अगर मैं 6000 रुपए को लगाऊंगा तो 6 साल के अंत में वो कितने रुपए बन जाएंगे एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के रेट से वही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आप पहले चल रहा था उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर 6000 रुपए को 6 साल के लिए लगाया जाए तो कितना यहाँ पे अमाउंट बन जाएगा, वी हैव टू फाइंड दैट। ऑप्शन वन, ओके ऑल राइट। देखो अगर मैं 4000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा, दिस इज द प्रिंसिपल मनी, और 2 साल के बाद वो बन जाएगा 4800 रुपए, तो यहां पे मैंने कितना इंटरेस्ट कमाया, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट, इतना बन गया, इतना रुपए इन्वेस्ट किया था, दोनों का डिफरेंस कितना है 800 रुपए, यानी कि दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स। क्या मैं यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो सिंपल इंटरेस्ट दैट इज 800 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, पी यानी कि प्रिंसिपल मनी इंटू आर इंटू टी टाइम इज 2 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि दिस विल बी आर विल बी 40। बस वो कैलकुलेट कर लो, 40 आ रहा है क्या? अच्छा ये भी तो कैंसिल होगा ना, ये भी तो कैंसिल होगा, यानी कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%। ठीक है, अब 10% के रेट से अगर मैं 6000 रुपए को लगाऊंगा 6 साल के लिए, देन वी हैव टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। चलो तो अमाउंट, अगर मैं बात करूं अमाउंट की, हमको सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना है, केवल हमको निकालना है टोटल अमाउंट। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10% है तो 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 60%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम रहता है, पहले साल में 10%, दूसरे साल में 10%, इस 6 साल में 10% के हिसाब से 60% हो जाएगा। तो 60% तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन वी हैव टू फाइंड द अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल मनी को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, तो प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, प्रिंसिपल मनी को हमेशा मैं 100% मान के चलता हूँ। तो 100% प्लस 60%, यानी कि कुल मिला के 160% ऑफ इन्वेस्टेड वैल्यू, कितना इन्वेस्ट किया है 6000। तो दिस विल बी दी अमाउंट, यानी कि 160% ऑफ 6000। देखिए 9600 इस तरह से। अगर केवल मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो मैं केवल उसका 60% निकालता, 60% ऑफ 6000, लेकिन मुझे टोटल अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब जानते हुए हो, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%, सिंपल इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 60%, कुल मिला के 160%। अगर परसेंटेज के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को, परेशानी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। नहीं दीदी, अभी 4 बजे वाला क्लास नहीं हो रहा है, ठीक है,
तो हम उसको अभी सुबह 11 बजे ले रहे हैं। एनीवन आया क्वेश्चन समझ में? कह रहा है एन अमाउंट डबल्स इन 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, कह रहा है व्हाट टाइम विल इट बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट। सेम रेट के हिसाब से यानी कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 12 टाइम्स यानी कि 12 गुना कितने साल बाद हो जाएगा ये हमको बताना है। ऑप्शन थ्री ओके। तो पांच साल का 20% इंटरेस्ट होगा ओके ऑल राइट। चलिए कह रहे थे एन अमाउंट डबल्स इन 5 ईयर्स यानी कि अमाउंट डबल हो जाता है 5 साल में। अगर मैंने फॉर एग्जांपल पी इन्वेस्टमेंट किया है वो डबल होके 2P बन गया है 5 साल में ठीक। अब कह रहे इन व्हाट टाइम इट बिकम्स 12 टाइम्स यानी उस वही सेम पैसा पी 12 गुना यानी कि 12 टाइम्स ऑफ पी कितने साल में हो जाएगा ये हमको बताना। तो बहुत ध्यान से देखिए अगर पी से 2P हो गया है तो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट, कितना सिंपल इंटरेस्ट है 2p 2p माइनस p यानी कि दिस विल बी p, दिस इज माय सिंपल इंटरेस्ट। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 12p माइनस p यानी कि 11p, दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ यहां से अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है p, दैट इज इक्वल टू PRTP यानी कि जो इन्वेस्ट किया दिस इज पी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है और टाइम है 5 साल डिवाइडेड बाय 100 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 20%। 20% के रेट से अगर मैंने पैसे को लगाया तो कितने साल में ये 12 गुना हो जाएगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 11p। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। When you calculate this, 11 into 5 यानी कि 55, 55 साल का समय लग जाएगा उसको उसको 12 गुना करने में यानी कि 55 ईयर्स। क्लियर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राखी। ये समझ में आ गया क्वेश्चन? बताइए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से 12 गुना 4 गुना इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब देखो मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का आपको डिफरेंस दिया गया होगा तो आप सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन।
ऑप्शन थ्री 7.5। ओके ऑल राइट, हमसे क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 6400, यानी कि मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, 6400 रुपये 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कितना है उसके बीच में डिफरेंस है, सी आई और एस आई के बीच में 36 रुपीज का डिफरेंस है। वी हैव टू फाइंड द इंटरेस्ट रेट, यानी कि मुझे आर निकालना है। सिंपल उसके लिए फॉर्मूला है आपके लिए, यहां पे 2 साल के लिए CI और SI के बीच का अगर डिफरेंस आपको पता है, द फॉर्मूला विल बी पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 36 रुपीज, प्रिंसिपल मनी कितना है 6400, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको यहां से निकालना है। तो दिस विल बी नाइन बाई 1600 इज इक्वल टू आर बाई 100। अगर यहाँ पे रूट लगाएंगे तो दिस विल बी 3/40, दिस इज इक्वल टू आर बाई 100 एंड दिस विल बी 15/2 इज इक्वल टू आर, तो आर का वैल्यू 7.5%, आर इज 7.5%। ये 2 साल के लिए, वेन दिस इज फॉर 2 ईयर्स तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर 3 साल का इंटरेस्ट है, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ठीक है, नहीं कोई जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, बट हाँ वी कैन क्रिएट अ जनरलाइज फॉर्मूला फॉर दैट। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जनरलाइज फॉर्मूला जो हर एक साल के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखो क्या कह रहा है।
एनीवन? ऑप्शन वन, ओके, ऑल राइट। चलो, कम से कह रहा है, डिवाइड रुपीज 6,000 इंटू टू पार्ट सो दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 2 ईयर्स एट 6% पर एनम मे बी इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 3 ईयर्स एट 8% पर एनम। ये समझ में आया? यानी कि यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो बराबर है, कह रहा है 6,000 को ऐसे दो पार्ट में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है, जिससे जो सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए 6% के रेट से वो इक्वल हो जाएगा। दूसरे वाले पार्ट को अगर मैं 3 साल के लिए 8% के रेट से लगाऊंगा, अगर उसके इक्वल है तो बताओ कितना हमारे पास, यानी कि जो 6,000 को दो पार्ट में हमने बांटा है वो दो पार्ट कौन से? देखो मैं क्या करूं भाई, मान लो कि जो 6,000 रुपए हैं उसको दो पार्ट में बांट दिया, एक पार्ट है एक्स एक पार्ट है वाई, ठीक है। इन दोनों पार्ट्स का मैं रेशियो निकाल लेता हूं, कैसे? अगर सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट पार्ट दैट इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड पार्ट, दिस विल बी प्रिंसिपल मनी, एक्स रुपए लगाए 6% के रेट से 2 साल के लिए बाई 100, PRD बाई 100। वाई रुपीज को लगाया 8% के रेट से फॉर 3 ईयर्स। यहां से अगर आप रेशियो निकालोगे तो x अपॉन y का रेशियो क्या आया? 2:1। यानी कि उन पैसों को 2:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो 6,000 रुपए को अगर आप 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे व्हाट यू विल गेट, जैसे 3 है यानी कि दिस विल बी 4,000 एंड दिस विल बी 2,000, यानी कि दिस विल बी 1/3 ऑफ 6,000, दिख रहा है एक सेकेंड, एंड दिस विल बी 2/3 ऑफ 6,000, यानी कि दिस विल बी 4,000 एंड दिस विल बी 2,000। ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। An amount of 4,000 rupees invested at 20% per annum for 2 years at compound interest compounding half yearly. यहाँ पे half yearly compound हो रहा है। We have to find the total interest amount received after 2 years. 2 साल के बाद कितना यहाँ पे amount हमें receive होगा? 2 साल के बारे में बात कर रहा है। देखो सवाल ये है कि अगर 4,000 रुपए को मैं 20% के rate से 2 साल के लिए compounded half yearly अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो बताओ 2 साल के बाद क्या अमाउंट मुझे मिलेगा? कंपाउंडिंग हाफ ईयरली बोल रहा है। देखो बहुत ही आसान तरीका मैं बताऊंगा कैसे करना है।
अगर 4,000 रुपये हैं, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, 2 साल और 20% का रेट है, तो क्या करो? सबसे पहले तो आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। अगर फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना है तो कैसे करें? अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आधा हो जाता है, दैट विल बी 10%, और जो आपका टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है, यानी कि दिस विल बी 4। टाइम पीरियड विल बी 4 क्योंकि 4 हाफ होंगे, 4 हाफ ईयरली, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी हाफ, यानी कि 10%। अगर इस तरह से आप करोगे तो आप पहले कैलकुलेट कर लो व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो पहले साल का 10%, 10%, 10% और 10%, यानी कि चारों हाफ में 10-10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिल जाएगा। आगे सेकेंड ईयर में इस 10 का 10% भी तो निकालना पड़ेगा, 10 का 10% यानी कि 1। थर्ड ईयर में इस 10 का, इस 10 का और 1%, यानी कुल मिला के जितना भी ऊपर आपको दिख रहा है ना, इस सब का आपको 10% निकालना पड़ेगा। 21 का 10% यानी कि 2.1, 21 का 10% यानी कि 2.1। देन आगे जितना भी आपको ऊपर दिख रहा है इस सभी का 10% निकालना पड़ेगा फिर से, इस पे भी तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। कुल मिला के 33.1, इसका 10%, यानी कि दिस विल बी 3.31। दिस इज द टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 4 हाफ, 4 हाफ का जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इतना होगा। कुल मिला के हो गया 40, और ये 3, 4, 5, 6, 6.41, कुल मिला के 46.41%, 46.41%। अब हमको निकालना है टोटल इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट हुआ भाई, कितना रुपए इन्वेस्ट किया? 4,000 रुपये, 4,000 रुपये का 46.41%, दिस विल बी व्हाट? करिए कैलकुलेट, वन एट फाइव सिक्स फोर, और पॉइंट लगेगा एक प्लेस बाद, यानी कि 1856.4, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज द राइट अप्रोच। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिस्टल क्लियर हुआ? ओके ठीक है, चलो तो इसी के साथ इस सेशन को इतना ही रखते हैं। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में इतना ही, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है। जैसे कि एक ये सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, दिस इज फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी करना है। एक क्वेश्चन ये ले लो और एक क्वेश्चन ये ले लो। जस्ट अ सेकेंड, ये तो अभी किया है, इसको छोड़ो। ओके ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, तो फिर हम कल मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो मान के चलो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लो, पीवी सर के क्वेश्चंस उठा के देख लेना जो सीएसआर में आए हैं पिछले कुछ सालों में। ठीक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, एक बुक जरूर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर सीएसआर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पार्ट ए के लिए, आपके पास एक बुक जरूर होनी चाहिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलो टिल देन थैंक यू सो मच गाइस एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।